नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में इन दिनों लोग कड़ाके की ठंड झेल रहे हैं। हवा की गति अधिक न होने की वजह से अब भी सुबह में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा से हवा का प्रवाह बढ़ने से पिछले दो दिनों में कनकनी बढ़ी है और पटना को छोड़कर बाकी शहरों का न्यूनतम तापमान आंशिक रूप से नीचे गिरा है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 28 जनवरी तक कोहरे के बने रहने के आसार जताए गए हैं। दिन में धूप खिलेगी लेकिन कोहरे की स्थिति सुबह और शाम में बनी रहने की उम्मीद है। बाकी शहरों के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया सहित अन्य सभी शहरों में सुबह शाम कोहरे छाए रहने से ठंड की स्थिति बनी हुई है। सूरज देर से निकल रहा है और सुबह 10 बजे तक विजिबिलिटी काफी कम रह रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्णिया में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम रहने की वजह से काफी ठंड रही। राज्य के लगभग सभी शहरों का अधिकतम तापमान अब भी सामान्य से 3 से 7 डिग्री तक नीचे बना हुआ है। इस वजह से ठंड की स्थिति दिन में भी बनी रहती है। वहीं कड़ाके की ठंड की वजह से रात 9 बजे तक शहरी क्षेत्र से बाजारों की रौनक खत्म हो जा रही है और सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही देखने को मिल रहे हैं। हवा में कनकनी होने की वजह से धूप निकलने के बावजूद अधिकतम पारा सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है। पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री नीचे चल रहा है। गया में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। भागलपुर में 7 डिग्री सेल्सियस व पूर्णिया में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। आइए जानते हैं बिहार के सभी जिलों में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के उत्तर पश्चिम जोन के बारे में। बिहार के उत्तर पश्चिम जोन में वेस्ट चंपारण, सारण, सिवान, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज जिले आते हैं। इन जिलों में 28 जनवरी तक कुहासे से छुटकारा नहीं मिलने वाली है। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। यहां 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री तक रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं उत्तर मध्य जोन के बारे में। इस जोन में जो जिले आते हैं वो जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर। इन जिलों में भी 28 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। ठंड जारी रहेगी। यहां 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 17 से 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी जोन के बारे में। उत्तर पूर्वी जोन में जो जिले आते हैं वो जिले हैं सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। इन जिलों में भी 28 जनवरी तक कुहासे से छुटकारा नहीं मिलने वाली है। तापमान की बात करें तो इन जिलों में 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं बिहार के साउथ वेस्ट जोन के बारे में। इस जोन में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले आते हैं। इन जिलों में भी 28 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहेगा। ठंड जारी रहेगी। यहां 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं दक्षिण मध्य बिहार के बारे में। इस जोन में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा जिले आते हैं। इन जिलों में भी 28 जनवरी तक कोहरे के साथ ठंड जारी रहने का अनुमान है। यहां 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी बिहार के बारे में। इस जोन में कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई जिले आते हैं। इन जिलों में भी 28 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। यहां 28 जनवरी तक अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।